अच्छा लेकिन मुझे पता है हंसी किस बात पे आती है कि अब बिकॉज शी इज अ डॉक्टर तो एक तरह से पब्लिक के लिए तो एक्सेसिबल है, लोग बहाने बहाने से अपने बच्चों को बीमार करके उनको उठाकर चीज खिला के ले आए कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बीमार है, और ये कहेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप इसको मिट्टी ना खिलाया करें तो आपका बच्चा ठीक है। माय फादर सेज दैट, वो जब्बू बोलते हैं कि अगर तुम क्लिनिक खोलोगे तो आधे तो मरीज आएंगे आधे तुम्हें सिर्फ वैसे देखने आ जाएंगे, हां तो तुम्हारी तो बहुत प्रैक्टिस चलने वाली है तो तुम खोलो। अच्छी बात है, स्टार को देखिए एटलीस्ट कोई स्टार तो थोड़ा सा एक्सेसिबल है। नहीं लेकिन द थिंग इज ना, मैं सीरियसली बताऊं ना, बीइंग अ डॉक्टर वो भी पीडियाट्रिक्स की फील्ड इज सो टफ। आई मीन लाइक छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, अभी जो आपको मैं बताऊं कि मेरे पास सबसे छोटा बच्चा जो आ चुका है वो 560 ग्राम्स का था, तो आप सोच सकते हैं कि 560 ग्राम का बच्चा कितना हो सकता है, यानी कि एक पाउंड। जी एक्जैक्टली, इट्स इवन लेस देन ऑलमोस्ट एक्जैक्टली वन, ऑलमोस्ट एक्जैक्टली यस। तो आई मीन लाइक इट्स अ वेरी वेरी डिमांडिंग फील्ड, और फिर जब आप देखते हैं ना कि आपके सामने वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो जिंदगी मौत को बड़े करीब से देखते हैं, हम एक्सपायरी कर रहे होते हैं उसके बाद जाके चाय पी लेते हैं, वी हैव टू लिव दैट लाइफ, तो वी हैव टू टेक पॉजिटिव एस्पेक्ट, वी हैव टू थिंक अबाउट द पॉजिटिविटी इन दैट। आई मीन लाइक अगर कोई बच्चा खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो गया है, या चलो हमारी जिंदगी में कोई चीज नेगेटिव चल रही है तो नेगेटिविटीज लेके चलेंगे तो फिर यू विल बी अ वेरी वेरी नेगेटिव पर्सन। बच्चे बच भी तो जाते हैं ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, वही बात है व्यूअर्स, डॉक्टर्स का तो बहुत ही अजीम काम है और ये तो बहुत ही बड़ी पर्सनालिटीज होते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जिस इंसान ने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई, तो ये तो हर रोज जाने बचाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई मीन लाइक जो डॉक्टर्स जिंदगी में, मैं कहती हूँ सबसे मेरा जो सबसे जो फैंटास्टिक डिसीजन था ना, दैट वाज बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकॉज मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ले लें, आप उस पर चली जाएँ, टीचिंग की फील्ड ले लें डॉक्टरी की साइड पर, मेडिसिन की साइड पे। मैंने कहा नहीं, आई नीड द स्टेथोस्कोप एंड आई नीड टू प्रैक्टिस, जब तक मैं मरीज देखती नहीं तो मुझे सुकून ही नहीं आता। अच्छा एक बात है, मासूमा डॉक्टर भी है, मासूमा एक बहुत मजे की पर्सनैलिटी भी है, मासूमा इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मासूमा इज अ मदर, मासूमा इज ऑब्वियसली वेरी मच अम्मा की बेटी। तो मुझे ये बताएं कि आप हैं कौन, अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना पड़े, क्योंकि हर कोई आपकी पब्लिक डिमीनर को देखता है, चाहे वो एज अ डॉक्टर है और व्हाटएवर, आप हैं कौन, अपने मतलब समथिंग यू वांट पीपल टू नो अबाउट यू, कि मैं ऐसी भी हूँ। आई एम स्टिल डिस्कवरिंग ऑन अ सीरियस नोट, आई मीन लाइक आप जब फॉर एग्जांपल मैं घर जाती हूँ तो आई एम समथिंग एल्स, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ समथिंग एल्स। तो घर पे कौन हो, घर पे भी मैं डिफरेंट, मैं सीरियसली बताऊँ ना कि जल्दी सी हैं, हंसती रहती हैं, मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ। आई मीन लाइक कोई नहीं कह सकता कि ये 17 माह के बच्चे की माँ है, बिकॉज वो लगता है कि 17 माह की खुद है। ये डॉक्टर की अब देखे ना बातें, 17 माह ये नहीं कहेगी कि 1 साल और 5 महीने, क्योंकि 17 माह का बच्चा है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, 1.5 साल हुआ ना, नहीं ना 2 महीने, हाँ 1.5 साल ऑलमोस्ट 1.5 साल अभी हुआ नहीं, ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन करानी होती है ना। खुद करती है या करवाती है? करवाती हूँ, अपना बच्चा खुद ट्रीट नहीं करती। अच्छा, होता नहीं है। अब आ जाते हैं, कौन है आप, कौन है? मैं वही बता, घर पे तो आई मीन लाइक आई एम दैट जॉली पर्सन, आई एम सिंगिंग ऑल द टाइम, कभी मेरे अब्बू का दिल करे लता किशोर को सुनने का तो वो सुनते हैं, कभी अम्मी का दिल करे कोई सूफी ठेठ कलाम सुनने का वो सुन रही होती है। आई लव डाइनिंग आउट, यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है इस्लामाबाद में जिसको मेरी शक्ल याद ना हो, ये फिर आ गई हैं खाने। आई गो आउट, आई लाइक ट्रीटिंग फ्रेंड्स, आई लाइक सोशलाइजिंग, मेरे बहुत दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गिने चुने 2-3 ही हैं जिससे बहुत, वो कहते हैं ना आपकी बहुत कुर्बत होती है। एग्जैक्टली, और उनमें से एक मेरी बहन भी है फातिमा, आई मीन लाइक शी नोज एवरी थिंग अबाउट मी, आई मीन लाइक वो कह सकते ना कि आप यू जस्ट गो, आपका एक पंचिंग बैग होता है घर पे रखा हुआ कि आपने किसी से लड़ाई की जाके आपने पंच उसी को मारना है, तो एग्जैक्टली तो वो चीज माई पंचिंग बैग फातिमा। ये लड़की ठीक नहीं है। अभी तो शी इज वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर द साक हेडक्वार्टर्स, तो या माशाल्लाह शी इज फैंटास्टिक, पढ़े लिखे बच्चे। क्लोजिंग में आप क्या पैगाम देना चाहेगी और किसको देना चाहेंगी? पैगाम मैं ये देना चाहूंगी, अगर आप लड़की हैं तो, और आपके पास पढ़ने की सलाहियत है और आप पढ़ सकती हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। मैं मुझे सारे लोग कहते थे कि दिस इज़ योर प्लान ए सिंगिंग एंड मेडिसिन इज़ योर प्लान बी, लेकिन मैं लोगों को कहती हूँ कि मेडिसिन इज़ माय प्लान ए एंड सिंगिंग इज़ माय प्लान बी, बिकॉज जो डिग्री है और जो काम है और जो आपकी सलाहियत है ये ता हयात आपके साथ चलेगी। जो देखिए ना, हर चीज़ की एक एज होती है, अब सिंगिंग सारी ज़िंदगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी ना, 50-60 साल जितने भी, ठीक है, आवाज़ में वेरिएशन आती है, लोगों में डिमांड होती है, नहीं होती है, ये आई एम क्लेवर इन दैट एस्पेक्ट, डॉक्टरी मेरे साथ सारी जिंदगी रहनी है, हवाई रोजी है बेसिकली। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, कि जब आपको पता है आपके ऊपर कोई ना खुदा ना खास्ता कोई ना कोई वक्त आने वाला है, तो यू कैन यू नो
gather yourself up, you can stand up for yourself, aap apne liye bahut kuch kar sakte hain, aapko kisi ke upar dependent hone ki zarurat nahi. So I would like to say ki jitni bhi khawateen hain, jitni bhi ladkiyan hain, just go out there and study as much as you can, because baaki sari cheeze temporary hain, wo ho jati hain waqt ke sath sath.